Phrases and idioms add color and personality to our language. They are also a fun way to express ourselves. Hello friends and welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about some important phrases and idioms which are very useful. You can also use them in your own sentences. So let's get into the video. Beat about the bush. Ghuma phira kar baatein karna. Beat about the bush. Don't beat about the bush, tell me the truth. घुमा फिरा कर बातें मत करो, मुझे सच्चाई बताओ. Blow one's own trumpet, अपना राग बजाना, यानी डींगे हाँकना, जो सिर्फ अपने ही बारे में बात करता है. He is always blowing his own trumpet, it is so boring. Next है as a matter of fact, दरअसल या सचमुच में. As a matter of fact, I am going to see that cinema, so don't tell me anything more about it. असल में मैं वो सिनेमा देखने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ और मत बताओ. एट होम इन, इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई किसी काम में दक्ष हो, एक्सपर्ट हो. लाइक कोई अगर मैथमेटिक्स में अच्छा है तो यू आर एट होम इन मैथमेटिक्स. एट सिक्सेस एंड सेवंस, इन डिसऑर्डर, यानी कि कोई चीज़ अगर बिखरा पड़ा है, अस्त व्यस्त है, फैला पड़ा है, जैसे कि माई बुक्स आर एट सिक्सेस एंड सेवंस इन माई रूम, कि मेरी किताबें मेरे कमरे में बिखरी पड़ी हुई है. थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, ओके, किसी के मनोबल को गिराना, डिस्करेज करना. यू शुड नॉट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन हिम, ही इज ऑलरेडी लूजिंग हार्ट. तुम्हें उसका मनोबल नहीं गिराना चाहिए, वह पहले से ही हिम्मत खो रहा है. थ्रो डस्ट इनटू वन्स आई, किसी को डिसीव करना, ठगना, यानी कि किसी की आँखों में धूल झोंकना. Don't try to throw dust into my eye. मेरे आँखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो. Get into hot water. मुसीबत में पड़ जाना या खतरा मोल लेना. If you don't finish your homework, you will get into a hot water. यदि तुम अपना होमवर्क नहीं बनाते तो मुसीबत में पड़ जाओगे. Get into temper. गुस्सा हो जाना. He got into temper when his son told a lie. वह गुस्सा हो गया जब उसके बेटे ने झूठ बोला. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अ मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान आदमी. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, इस तरह से आप बना सकते हो इसको. ओके, एट वंस, यानी कि फौरन, इमीडिएटली, तुरंत या फौरन. डू दिस वर्क एट वंस, इस काम को तुरंत करो, फौरन करो. होल्ड योर टंग, यानी कीप साइलेंट, चुप रहना. प्लीज़ होल्ड योर टंग, आई एम डूइंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क. कृपया चुप रहे, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट है विथ माइट एंड मैन, यानी पूरे ताकत के साथ. जैसे कि दे सॉर्टेड विथ माइट एंड मैन बट नोबडी कैम टू रेस्क्यू देम. वे लोग काफ़ी ज़ोर से चिल्लाएं पूरे ताकत के साथ, लेकिन उन्हें कोई बचाने नहीं आया. नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, गए हुए वक्त पर रोना. क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, गए हुए वक्त पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है. टर्न अ डीफ ईयर टू, अनसुना करना. कोई चीज़ को हम लोग नोइंगली जो है जानबूझ के डिलिबरेटली उस चीज़ को अनसुना कर देते हैं, जैसे कि ही टर्नड अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, वह मेरी रिक्वेस्ट को अनसुना कर दिया. इस सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन, यानी नज़र रखना. द गार्ड कीप्स एन आई ऑन स्कूल चिल्ड्रेन, कि गार्ड स्कूल के बच्चों पर नज़र रखता है. इसी तरह का एक और भी फ्रेज है कीप इन माइंड, यानी ध्यान रखना. कीप इन माइंड टू वॉश योर क्लोथ्स, इस सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं. एंड देर इज अनदर फ्रेज लाइक मेक द मोस्ट ऑफ. मेक द मोस्ट ऑफ का भी प्रयोग होता है किसी चीज़ का यथासंभव लाभ उठाना, जैसे कि यू मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तुम्हें इस मौका का यथासंभव भरसक जो है लाभ उठाना चाहिए. इस सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन ऑल्सो यूज दैम इन योर सेंटेंसेस. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सो आज के लिए बस इतना ही.